शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योम आधार पर जो है ये जगत पारमार्थिक शब्द वस्तु नहीं है ऐसा निरूपण करके दिखाए। दूसरे प्रकरण में ये युक्ति के द्वारा जो समझा जा सकता है इसको भी प्रतिपादित कर देते हैं। तीसरा प्रकरण में जब सारा ही मिथ्या है तो अधिष्ठान भी मिथ्या ही होगा, बोलते नहीं अधिष्ठान मिथ्या नहीं है, अद्वैत पारमार्थिक शब्द वस्तु है, क्योंकि अधिष्ठान शब्द अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है। तो अद्वैत प्रकरण में एक कठिन बात की जब सिद्ध हो गया कि जागतिक वस्तु संपूर्ण मिथ्या ही है, अब जो है उसके पीछे प्रतिज्ञा वाक्य को पुष्ट करने के लिए हेतु और दृष्टांत देना पड़ता है। तो उसके हेतु को स्पष्ट करने के लिए पहले क्या कहा कि अलग अलग वादियों के सृष्टि संबंधित जो सिद्धांत है उसमें आपस में विरोध को देख कर कोई सत्कार्यवादी को असत कार्यवादी को असत से पूरा उत्पन्न होता है और एक कहते हैं कि असत पहले था बाद में सत के साथ संबंध होगा, कि अलग अलग वादियों का सांख्य और योग दर्शन के सृष्टि की प्रक्रिया के साथ नए विशेषण दर्शन की सृष्टि की प्रक्रिया को जो है विरोध दिखाई पड़ता है। परंतु एक जगह पर सभी का एक मत है, क्या है, आत्मा व्यापक है, आत्मा व्यापक है। और सांख्य और योग दर्शन थोड़ा सा और मदद करते हैं कि आत्मा की असंगता को भी बताते हैं। और नए वैशेषिक दर्शन क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग देखा वो मतलब जागतिक वस्तु को व्याख्यान करने के लिए अधिक तत्पर थे, आत्मा की इस बिना बेनती के साथ विरोध, मतलब आत्मा को अनेक मान लिया सभी वादियों ने। और सभी वादियों ने आस्तिक दर्शन सभी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, आस्तिक दर्शन सभी ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, परंतु ज्ञान कैसे होगा, किसका ज्ञान, इसमें भिन्नता है, इसमें भिन्नता है। तो सांख्य और योग दर्शन बोलते हैं प्रकृति और पुरुष की विवेक से मुक्त होते हैं और मन शांत, उसी उसको मतलब फिलोसॉफी ऑफ माइंड और फिलोसॉफी ऑफ मैटर इसको बोलते हैं, किसको, न्याय और वैशेषिक दर्शन वहाँ के लोग करके बोलते हैं। और यह जो है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजियन जो हमारा पूर्वमीमांसा दर्शन, एंड दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ सेल्फ वेदांत दर्शन, यहाँ पे केवल ब्रह्मों के लिए बोलता है, कुछ को लेकर के नहीं बोलते यहाँ। परंतु सभी आस्तिक दर्शन में एक सुविधा ही है, सभी वादी ज्ञान से मुक्ति को माने। अब पूर्वमीमांसा दर्शन में ज्ञान का अर्थ लेते हैं उपासना, बस हाँ ज्ञान कर्म समुच्चय से उपासना से मुक्ति मानते, प्रभाकर यहाँ तक पहुँचा दिए थे, आगे तो पहले तो कर्म से मुक्ति मानते थे, परंतु प्रभाकर यहाँ तक पहुँचा दिए।
तो इस बाकी बौद्ध दर्शन में तो वो विज्ञान से सब कुछ दिखाई पड़ते हैं, वो आगनास्तिक दर्शन है, क्योंकि वो पशु बलि आदियों को देख करके जो है वे जो है हिंसात्मक है, वे इसीलिए वेद मान्य नहीं है। इसको लेकर के एक बहुत बड़ा एक समाधान देने जा रहा है। तो अब ये प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु दिया कि अलग अलग वाणियों के अलग अलग सृष्टि के प्रकार उसमें आपस में विरोध देखने पर हम यही निश्चय होता है कि सृष्टि पारमार्थिक नहीं होती। और फिर आगे और बोलते हैं, हमें ये दिखाई पड़ते हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार कि एक होता है समवायीकरण, एक होता है असमवायीकरण। उपादान कारण को जिसको हम उपादान कारण बोलते हैं उसको समवायी कारण बोलते हैं, वो एडिशनल कारण माना निमित्त कारण को भी मानते हैं, परंतु एडिशनल कारण माना जैसे तंतु पट के उपादान कारण है और तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण उसके व्यक्ति उनका शेयर। तो क्योंकि द्रव्य द्रव्य के लिए कारण बनता है, पट एक द्रव्य है और पटात्मक द्रव्य के लिए तंतु एक द्रव्य है उसके लिए कारण बनता है, गुण के लिए गुण कारण होते हैं, गुण के लिए गुण कारण होते हैं, इसलिए तंतु रूप पट रूप के प्रति कारण है, क्रिया के लिए क्रिया कारण है। जिस प्रकार एक गेंद को आपने फेंका तो किसी वस्तु को फेंका वो किसी जगह टकराया वो एक नया उसका वस्तु उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें कुछ गति उत्पन्न कर देगा, उसको गति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार से यहाँ पे बोले थे द्रव्य द्रव्य से हेतु सैद अन्न अन्न से चैव ही है ना, इसी के शुरू होगा ना, श्लोक को एक साथ साथ मिलकर पढ़ते हैं। द्रव्यम द्रव्य से हेतु सैद अन्न अन्न से चैव ही द्रव्यत्वम अन्य भावो वा धर्मानुपपद्यते। इस बीच में थोड़ा सा और एक समझ सुनते हैं हमको कि दृष्ट हमारा प्रतिज्ञा पूर्ति करने के लिए आपको जैसे हेतु देना पड़ता है, हेतु आपने दे दिया तो दृष्टांत भी देना पड़ेगा, यदि नहीं है तो दिखाई कैसे देते। तो अब दृष्टांत क्या है, ये अलात दृष्टांत है, उसके लिए अलात में वास्तव में कोई आकार नहीं होते हुए भी उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होने पर थोड़ा गति होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं। वास्तविक वो आकार कहीं से आता नहीं है, वो आकार आकार कहीं पर जाता भी नहीं है, ना कि वो आकार अलात में प्रवेश करते ये भी नहीं है, हुई नहीं कभी वहाँ। ठीक इसी प्रकार से ये जो अलात में गति के कारण इस प्रकार आकार दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार विज्ञान में मूवमेंट के कारण जो है वहाँ पे इस प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु नाम रूप दिखाई पड़ते हैं। बोलते आपने सिद्धांत को तोड़ दिया, क्यों, आपका विज्ञान पूर्ण व्यापक है, पूर्ण व्यापक है तो वहाँ पे मूवमेंट कैसे हो पाएगा। बोलते यही तो बात है, विज्ञान में मूवमेंट नहीं है, विज्ञान में कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, परंतु प्रतिफलित विज्ञान सूर्य में कोई वाइब्रेशन नहीं है, परंतु प्रतिफलित होकर के घर में जैसा बंद ऐसा है हमारे अंतकरण में प्रतिफलित होकर के वो वाइब्रेट हुआ, जैसे अंतकरण ही बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। विज्ञान में कुछ नहीं हो रहा है, अंतकरण उसके अंतकरण वाइब्रेशन वाइब्रेशन के वासनात्मक वाइब्रेशन संस्कारात्मक जो हमारे वासना है वही इसको प्रोजेक्ट करते हैं पुस्तक को। इस प्रकार कथन करने के बाद तो आप दिखा देखो जहाँ कहीं भी कार्य कारण भाग होता है ना, वहाँ पे या तो द्रव्य द्रव्य के लिए कारण होता है, गुण गुण के लिए कारण होता है, क्रिया क्रिया के लिए कारण होता है। आत्मा कोई द्रव्य नहीं है, आत्मा निर्गुण है, आत्मा अप्रिय है, तो यहाँ पे कैसे उत्पन्न करेगा कोई वस्तु, इसीलिए यहाँ पे उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं द्रव्य द्रव्य से हेतु से, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य के लिए हेतु बन सकता है। अन्न अन्न से हम क्या कहेंगे, एक चीज और भी है, जैसे अन्न माने गुण क्रिया बोल रहे हैं, अन्न मतलब भिन्न वस्तु के लिए हेतु बनता है, एक परिच्छिन्न वस्तु, एक परिच्छ उपादान कारण और जो बन रहा है, इन दोनों में भिन्न रूप में आपको दिखाई दे सकता है, दिखाई देगा। इसीलिए अन्न अन्न वृत्ति का घड़ा के लिए हेतु है, ठीक है, वेदांत दृष्टि स्वरूप वृत्ति का घड़ा घड़ा वृत्ति का भिन्न नहीं है, परंतु घड़ा एक अलग परिच्छिन्न तरफ वृत्ति एक अलग परिच्छिन्न, ठीक है, वृत्ति का व्यापकता अधिक है। दोबारा इस प्रकार से अन्न से दो अर्थ लेंगे, दो अर्थ मतलब परिच्छिन्न द्रव्य ही परिच्छिन्न द्रव्य का हेतु बनता है, परंतु यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता कि द्रव्यत्व अन्न भाव होगा, मतलब आत्मा के अंदर द्रव्यत्व धर्म भी नहीं है और किसी से भिन्न भी नहीं है आत्मा, आत्मा किसी से भिन्न भी नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे जीव की उत्पत्ति के धर्माना द्रव्यत्व अन्न भाव धर्माना मतलब जीवाना न उपद्यते, जीव में ये होना संभव नहीं है। इसको पर टिप्पणियाँ हैं, पढ़ लिए थे, पूरा हो गया था, ये भाष्य टीका पढ़ना है, ठीक है ठीक है, टीका शुरू से शुरू करते हैं। तो टीकाकार बोल रहे हैं, जद उक्तम कार्य कारणता अभावा इति
तब इदानीम उपपादयितो उपक्रमते। पहले कहा देखो इसका पहले श्लोक में क्या बोल क्या था, कार्य कारण का भाव यतो चिंता सदैवते, ठीक है, ये जो 52 में आया हुआ, ठीक है ना, कार्य कारण का भाव के अभाव है यहाँ पे, मतलब फिर भी दिखाई पड़ता है, इसलिए ये अनिर्वचनीय अचिंत है, मतलब इसको स्वतः स्वरूप से निरूपण नहीं किया जाता। ये जो कहा जाए उत्तम कार्य कारण का भाव इति तक इदानीम उपपाद, कार्य कारण के भाव यहाँ पे होना संभव नहीं है, उसी को युक्ति पूर्वक सिद्ध करके दिखा दे उपपाद निष्ठ करते हैं, उपपाद सिद्ध करने के लिए उपक्रमते थोड़ा भूमिका करते हैं अथवा शुरू करते हैं। द्रव्यम द्रव्यस्य हेतुस्य, द्रव्य द्रव्य के लिए हेतु करते हैं, अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्यस्य उपादान, ठीक है ना, निरअवयव वस्तु कभी भी किसी का उपादान नहीं बन सकते, सा अवयव वस्तु सावयव वस्तु का उपादान, ठीक है ना, अवयव द्रव्य मतलब जिसमें अवयव है, मतलब अवयव से अवयवी बनता है ना, अवयव मतलब छोटा छोटा पार्ट्स अथवा जिसमें विभाग है, ये अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्यस्य, जो एक अवयव से अवयवी बनता है, अवयव जिस प्रकार तंतु हो गया अवयव, ठीक है ना, अवयवी द्रव्य हो गया पर अनेक तंतु को जोड़ करके बनता है, इसलिए अवयवी द्रव्यस्य उपादान हो, उसको उपादान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अवयव गुणश्च अवयवी गुणेशु समान जातीयेषु असमवायिनो दृष्टा, नए शब्द की बनाया की भाषा में बोल रहे हैं कि समान जातीय गुण उत्पन्न करेगा, यदि आपका तंतु में सफेद रंग है तो पट में जो रूप उत्पन्न होगा सफेद रंग का ही होगा, तंतु में अगर आपका लाल अथवा कालापन है तो पट में जो रूप उत्पन्न होगा समान जातीय होगा, इसलिए बोलते हैं अवयव गुणाश्च और अवयव के जो गुण है अवयवी गुणेशु, ठीक है ना, तंतु रूप पट रूप के प्रति गुणेशु समान जातीयेषु कैसा होगा, जैसा वहाँ पे होगा उसी जातीय गुण के रूप उत्पन्न करेंगे, असमवायी ना जिसको असमवायी कारण बोलते दृष्टा ये दिखाई दिया। सात नंबर टिप्पणी में देखिए कि द्रव्य घन उपलक्षणीकृत आहो, है ना, द्रव्य के द्वारा क्या कहते हैं, द्रव्य के साथ गुण भी आएगा और आपका क्रिया भी आएगा, नए पद न्याय दर्शन में छह पदार्थ मुख्य मानते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव को एक पदार्थ माना है कहते, पर उसको लेकर अधिक विचार नहीं है, तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि द्रव्य ग्रहण उपलक्षण का द्रव्य को ग्रहण करके द्वारा एक उपलक्षण है क्या, गुण और क्रिया का भी उपलक्षण है, इसलिए बोलते हैं अवयव द्रव्यम अवयवी द्रव्यस्य उपादान, अवयव गुणस्य अवयवी गुणेशु समान जातीय द्रव्य को बाद गुण को रहे, इसलिए द्रव्य उपलक्षण हो गया गुण और क्रिया के, समान समवायिनो दृष्टा समवायी असमवायी कारण सभी जातीयेषु असमवायिनो दृष्टा को असमवायी कारण को मानते हैं, न च एवं आत्मनो द्रव्यत्वम येन समवायित्वम, आत्मा में द्रव्यत्व धर्म नहीं है फल तो किसी को उपादान कारण नहीं बन सकता, आत्मा में द्रव्यत्व धर्म नहीं है इसलिए वो किसी को उपादान कारण नहीं बन सकते, न च एवं आत्मनो द्रव्यत्वम, आत्मा में जो है इस प्रकार की द्रव्य धर्म नहीं है जिससे कि वो किसी का समवाय कारण बन सके, ठीक है। आठ नंबर टिप्पणी मतलब एवं कपालाधिपत, कपाल मतलब जो घर आधा घरा के जो है ना स्फेरिकल अवस्था में जाता है उसको कपाल बोलते हैं, तो उसकी टुकड़ा को भी कपाल बोलते हैं कपाल आदि बात। अच्छा न च तत् रूपानाम क्वचित असमवायित्व, आप ये भी नहीं कह सकते कि आत्मा में कोई रूप है वो कहीं असमवाय कारण बन के उस द्रव्य को उस प्रकार के समान जाते रूप उत्पन्न करेगा, ये भी नहीं बोल सकते कि आत्मा निरूप है, न च तद रूपानाम क्वचित किसी स्थान असमवायित्व कमा है वहाँ पे, ठीक है, तद रूपाना मतलब आत्मीय गुणाना, आत्मा में कोई गुण होगा वो समान जातीय गुण वहाँ पे कोई द्रव्य उत्पन्न करेगा ऐसा भी नहीं कहा जाता है, लेकिन आत्मा निर्गुण है, न च तद रूपाना क्वचित असमवायित्वम, असमवायित्व मतलब असमवाय कारणत्वम, ठीक है ना, वो आत्मा की गुण भी की हुई जिस प्रकार तंतु रूप पटरूप के प्रति असमवाय कारण है और यहाँ पे कुछ रूप है नहीं तो किसके लिए असमवाय कारण बनेगा, समवाय कारण भी नहीं बन सकता है असमवाय कारण भी नहीं बन सकता, निमित्त कारण तो उसका होता है जो कुल हाथ पैर वाला अवय वाला जो कोई निमित्त कारण हो सकता है, दंड चक्र आदि कुछ परिच्छिन्न वस्तु निमित्त कारण होता है, ये भी नहीं हो सकता, वह भी समझना चाहिए। गुणगुणी टीका में गुणगुणी भावस्य अन्नतस्य तस्मिन् दुर्वचनत्वाद इति अर्थ, ठीक है ना, ये हो गया आत्मा में गुणगुणी भाव अथवा आत्मा अन्नतस्य अर्थ किससे भिन्न है इसको निरूपण करना संभव है ही नहीं, इसलिए गुणगुणी भाव से एक और दूसरा क्या अन्नतस्य च, है ना, ये गुणगुणी भाव और भिन्नता की भाव,
आत्मा किसी से भिन्न नहीं है, सभी का अंदर वही प्रश्न किसी बोलते हैं गुणगुणि भावस्य अन्नतस्य तस्मिन अन्नतस्य च अध्ययन कर लेना वहाँ भी, और तस्मिन तस्मिन आत्मनि दुर्वचनत्वा उस आत्मा में उसको निरूपण करना कठिन होने के कारण देखा है गुणगुणि भावस्य अन्नतस्य तस्मिन दुर्वचनत्वा और प्रतिपादन करना कठिन होने के कारण शास्त्र ने कहीं भी नहीं दिखाया ऐसा। श्लोक अक्षराणि योजयति, श्लोक के अक्षर को अन्वय करके दिखाते हैं। अब श्लोक में अंदर क्या हुआ था, द्रव्य द्रव्यस्य हेतु से उसको लिखा था अजम अजम एकम आत्मतत्त्वमिति स्थितम, ठीक है ना, एक आत्मतत्व जन्म रहित है, वो एक ही है, वो अनेक नहीं है, ठीक है ना, अजम एकम आत्मतत्त्वमिति स्थितम। सभी वादियों ने ये अजम नित्यम के तो एक व्यापक हित माना, परंतु एक ही मानता है आत्मा को अनेक माना, तो स्थितम तत्र यहिदपि कार्यकरण भाव कल्पते तेषां द्रव्य द्रव्यस्य अन्नस्य अन्न अन्न हेतु कारणस्य न तु तस्यैव तत् तस्यैव तत्। वहाँ पे देखिए जो ये कार्यकरण भाव को विषय यहिदपि कार्यकरण भाव कल्पते है ना, इस आत्मा में जो भी कोई व्यक्ति फिर कार्यकरण भाव की कल्पना करते हैं तेषा मुख्य पक्ष द्रव्य द्रव्यस्य अन्नस्य अन्न हेतु कारणांश, क्योंकि हमें क्या दिखाई पड़ते हैं कि द्रव्य द्रव्य के लिए हेतु बनता है और एक परिच्छिन्न गुण गुण के लिए हेतु बनता है, क्रिया क्रिया के लिए हेतु बनता है और परिच्छिन्न द्रव्य परिच्छिन्न वस्तु के लिए हेतु बनता है, इसलिए अन्नस्य हेतु कारणांश न तो तस्से बता अपने आप अपने लिए कारण बन जाए, ये तो कहिए एकमात्र विवर्तवाद में ही होना संभव है। एकमात्र विवर्तवाद में रज्जु ही बिना किसी उपाय निमित्त कारण से असमवय कारण से अपने आप को सर्प रूप में बदल देते हैं, एक रहे हमारे वो तो कुछ नहीं कि हमारे मन की भ्रांति है ये, इसीलिए आप बोलते हैं कि तेषां द्रव्य द्रव्यस्य अन्नस्य अन्न हेतु कारण से अपना तो तस्यैव तत् कोई वस्तु उसके लिए कारण बन जाए ये नहीं हो सकता है। वहाँ पे टीका में देखिए क्या बोलते हैं, अजम अवयव अवयवी विभागो विरहितत्वम अजत्तम, ये अजत्त मतलब क्या हो गया, अजत्त मतलब क्या हो गया, अवयव अवयवी विभाग जिसमें नहीं है, अवयव अवयवी विभाग जिसमें नहीं हो गया वो हो गया अज अज शब्द का अर्थ हो गया, अवयव अवयवी विभाग विरोहितत्वम विशेष रूप में भी एक उपशब्द भी लगा दिया हम गिरी विशेष रूप से जो है क्या होता है तो उसके रहित हो जाए है ना, इसी को बोलते हैं अजत्तम अवयव कहाँ पे अजत्तम पर भाष्य में भाष्य में जो अजम एकम बोला ना आत्मतत्व अजम शब्द का अर्थ कर दिया, अजम मतलब क्या हो गया जन्म रहित नहीं बोल रहे हैं अवयवी अवयव विभाग रहितत्वम अजत्तम ये हो गया, इसलिए कहाँ पे शब्द प्रयोग किया प्रसंग क्या चल रहा है तब अनुकूल होता है वस्तु मतलब शब्द का अर्थ होता है। अब देखिए आ एकत्व एकत्व मतलब गुण गुणी भाव शून्यत्म जो धर्म धर्मी गुण गुणी ये भाव से भी रहित है उसका अंदर नहीं होना संभव नहीं, ये हो गया एकत्व, ठीक है प्रसंग को यही चल रहा है कि द्रव्य द्रव्य से दूसरे द्रव्य तो धर्म नहीं है निरवय वस्तु है गुण गुण के लिए तो इसमें गुण भी गुणत्व भी नहीं है धर्म धर्म गुण गुणी भाव भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए एकत्व इसलिए कोई भी नहीं कहे आत्मा एक द्रव्य है और आत्मा रूपी द्रव्य में सच्चिदानंद तीन गुण रहता है अब मानेंगे कि नहीं तो सब बोल रहे मानेंगे नहीं, सत्य ही आनंद रूप से स्फुरित होता है बस वही वस्तु उसी में एक ही नहीं विद्यमान रूप में गुणगुणी भाव नहीं है उसको तो बोल नहीं सकते है ना, अथवा जो त्रिकाल काल के द्वारा वस्तु के द्वारा जो बाधित नहीं होता है इस और जो जड़ नहीं है जो जिसमें वस्तु परिच्छिन्नता देश परिच्छिन्नता नहीं है इस प्रकार की तत्व जब निषेध रूप में ये जो है वहाँ पे कोई वो एक ही तत्व है वो भिन्न तत्व नहीं है, सत्य नहीं होगा तो स्फुरन ही नहीं होगा, सत्य में स्फुरन अन्वित है सत्मिस्पुर और परिच्छिन्न सत्य स्फुरन दुखदायक होने पर भी शुद्ध सत्य स्फुरन जो है आनंददायक होता है, बताया जो भी भूम तत्व सुखम आनंद इसलिए होता है एकत्व गुण बने भाव शून्यत्म, इसलिए ना कभी कभी वैराग शब्द का जो अर्थ करते हैं ना रंग धन से राग बनता है और विराग विराग हो गया पहले विगत राग अस्मान परंतु वी को सर्ग लगा हुआ है तो बी को सर्ग था विगत भी होगा विशेष भी होगा तो दोनों अर्थ नाम कुछ का था तो हो गया वैराग्य कौन भी होगा वैराग होगा तो बी को सर्ग का दो अर्थ होते हैं मतलब संसार से राग निकल गया और आत्मनि अथवा परमात्मनि विशेष राग
पीला, उसका भाव वैराग्य। तब क्योंकि एक तभी लागू होगा, वैराग्य को क्या वस्तु होता समझना है ना, क्योंकि संसार से मन उठने से हमारा काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि कितना व्यक्ति है ऐसा दिमाग उतना नहीं है, परंतु संसार में उतना मन नहीं है, परंतु उसका भगवत प्राप्ति नहीं होगा। संसार से मन उठे और भगवान में मन लगे, विशेष अनुराग होना चाहिए। अमित शब्द विशेष अनुराग होगा तब वो वैराग्य की भाव होगा, और उससे इधर क्या हो जाएगा, संसार से विगत राग है ना। इसी प्रकार शब्द कहाँ पे प्रयोग किया तब अनुकूल आप वहाँ पे जो है वो जो उपसर्ग और प्रयोग किया है उसको कैसे अर्थ करेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर एकत्र शब्द कहते हैं गुणगुणी भाव सुंदरतम तत्र इति आत्मतत्व। तत्र मतलब कहाँ है तत्व, देखो तीसरा पद है अजम एकम आत्मतत्व इति स्थितम तत्र, तत्र मतलब तस्मिन आत्मनि आत्मतत्व है ना। शब्द में एक वचन है तत्र, तरल शब्द शब्द में मतलब होता है तत्र इति आत्मतत्व, उसको किसको परामर्श किया जाता है आत्मतत्व में, है ना। आत्मतत्व में भी कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है, जैरअपि कल्पते जिसके तरह कार्यक्रम तेषाम क्या हो जाएगा, या तो आत्मा को द्रव्य मानना पड़ेगा, तो गुण मानना पड़ेगा, फिर क्रिया मानना पड़ेगा, वे नहीं आत्मा में, इसलिए कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है। तत्र कार्यकरण कारण भाव भूषयितु सामान्य न्यायमह, कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है, इसको दूषित करने के लिए वो सामान्य युक्ति दे रहे हैं। क्या सामान्य युक्ति है, द्रव्य के लिए द्रव्य हेतु बनता है, गुण के लिए गुण हेतु बनता है, क्रिया के लिए क्रिया हेतु बनता है, है ना। आप किसी वस्तु को आप ऊपर रखना चाहते हैं तो आपको या तो आपको दौड़ के आके फेंकना पड़ेगा, उसको हाथ में गति दे करके तब उसको फेंकेंगे, तब जा करके होगा। इसीलिए आप बोलते हैं कि तत्र कार्य कारण भाव दूषयितु, इस विषय में कार्य कारण तत्र मतलब तस्मिन आत्मनि, कार्य कारण भाव को दूषित करने के लिए मतलब वो खंडित करने के लिए अथवा वो सही नहीं है इसको कथन करने के लिए सामान्य न्याय माह, सामान्य युक्ति, इसके इसको समझने में कोई वेदांतिक अलग युक्ति का आवश्यकता नहीं है, सामान्य न्याय सामान्य युक्ति को देखिए। एक नंबर 11 नंबर टिप्पणी होते सामान्य व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या व्यक्ति है, जहाँ द्रव्यत्व है वहाँ कार्यत्व है, जहाँ गुणत्व है वो कारण बन सकता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति दिखाई देता है, द्रव्यत्व गुण द्रव्यत्व के लिए हेतु बनता है, और फिर जो है आपका कोई गुण तो दूसरा गुण के लिए सजातीय गुण के लिए हेतु बनता है, कोई क्रिया सजातीय क्रिया के लिए, एक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर, एक हो गया तेषाम। इसलिए के प्रति कहाँ पे लेंगे, तेषाम द्रव्य द्रव्य से अन्न से अन्न हेतु कारण से न तो तस्व तत्, हमारे पास दूसरा कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई उत्पत्ति के प्रसंग भी नहीं होता। वहाँ पे आगे भाष्य का लिख रहे हैं ना कि अद्रव्यम कस्यचित कारणम स्वतंत्र दृष्टम, रीजन इम्पोर्टेंट है। आप गुण अथवा क्रिया वो स्वतंत्र होकर के कभी किसके हेतु नहीं बन सकते, गुण अथवा क्रिया द्रव्य के आश्रय में रहकर एक क्रिया कोई कर्म उत्पन्न करता है, कोई मतलब कार्य को उत्पन्न करता है, इसलिए होता है ना कि अद्रव्य, द्रव्य को छोड़कर के और दूसरा कोई भी गुण हो क्रिया हो समवय हो सामान्य विषय जो भी आप बोलते हैं वो द्रव्य का आश्रय में ही रहेगा, किसी के अंदर सामान्य गुण उत्पन्न करता है विषय उत्पन्न करे वो जो है द्रव्य का आश्रित होकर के ही करते हैं। इसलिए ना कि अद्रव्यम कस्यचित कारणम, जो द्रव्य नहीं है वो किसी का कारण स्वतंत्र दृष्टि स्वतंत्र रूप से कारण नहीं बन सकता है ना। अब इसीलिए यहाँ पर उत्पत्ति होने संभव नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं टीका में देखिए अद्रव्य से अपि रूपादि तत्वादि द्वारा पट शुक्लाद्यो कारणत्वं दृष्टम इत्यत आह विषयस्ति। अद्रव्य आपने क्या बोला, द्रव्य द्रव्य से है कुछ है, किंतु गुण और प्रक्रिया और द्रव्य नहीं है तो अलग पदार्थ माना हमने। तब बोलते अद्रव्य से जो द्रव्य नहीं है वो भी जिस प्रकार रूपादि रूप अथवा गुण मतलब रूपादि तंतुवादि द्वारा मतलब तंतु को आश्रय होकर, तंतु मतलब तंतु रूप मतलब तंतु के आश्रय में रहने वाला कोई गुण को होता है तंतुवादि द्वारा पट शुक्लाद पट की शुक्लोक्त के लिए कारण पट रूप के प्रति कारण बन जाते हैं। इसको पढ़ने से भी ना ठीक से टीका पढ़ेंगे फिर भी नए सिद्धांत हमको जितना काम में आता है यहाँ से समझ पाएगा, अलग से तो एक तर्कसंग्रह पढ़ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा रेनफोर्समेंट हो जाएगा ब्रेन में, नहीं पढ़ेंगे तो भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना जाएगा। और द्रव्य से रूपादि तंतुवादि धारा, जो द्रव्य नहीं होते भी रूप गुण जैसे भी होगा जो तंतुवादि धारा मतलब किसी तंतु के माध्यम से द्रव्य है, द्रव्य को द्रव्य है पर द्रव्य के कारण मानते हैं, तंतुवादि द्वारा
पट शुक्ल आदो पट रूप के प्रति कारण बनता है, पट की जो शुक्लत्व धर्म है उसके प्रति कारणत्वम विष्णु में कारण देखा गया है। आपने कैसे बोला द्रव्य द्रव्य से तुष बोल तो स्वतंत्र नहीं हो सकता है, द्रव्य का आश्रय करके ही होगा वो, इसलिए बोलते हैं एक तत्व विषय नष्ट उसको समझाने के लिए विशेष करके भगवान भाष्कर बोलते हैं, विशेष करके श्री नष्ट को उपदेश करते हैं स्वतंत्र पद स्वतंत्र अद्रव्यम कश्चित कारणम स्वतंत्र उसको विषय मन के द्रव मतलब जो गुण अथवा क्रिया है वो स्वतंत्र रूप से कभी हेतु नहीं बन सकता, किसी का आश्रय में रह करके वो बनेंगे। कभी भी गुण कहीं भी वस्तु में दिखाई पड़ता है, द्रव्य में दिखाई पड़ता, अच्छा लड़का लंबा पेड़ मोटा व्यक्ति ये सब जो बोलते हैं ना कि किस द्रव्य का आश्रय करके बोलते हैं। अस्तु तही द्रव्य तेन अन्न तेन च आत्मने कारणत्वं न इति, तो हम आत्मा को द्रव्य मानेंगे जिसने दर्शन नहीं माना और आत्मा नौ द्रव्य माना उसने, यानी कि आत्मा नौ उससे भिन्न द्रव्य आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन दिशा काल और आत्मा नौ द्रव्य माना उसने, तो नौ द्रव्य मतलब प्रत्येक द्रव्य से भिन्न है, तो आत्मा एक अन्न द्रव्य भी हो जाएगा द्रव्य भी हो जाएगा। अस्तु तही द्रव्य तेन, एक हेतु क्या हो गया आत्मा द्रव्य है, दूसरा क्या अन्न तेन भिन्न तेन है ना, भिन्न तेन आत्मनि कारण कार्य करण तो आत्मा में कार्य करण तो आ जाएगा, ये शंका भाग है। अस्तु तही द्रव्य तेन अन्न तेन च, ठीक है ना, जो द्रव्य रूप में और भिन्न रूप में आत्मनि कार्य करण यहाँ एक प्रश्न भाग है, सिद्धांत उत्तर दे रहे न इति आह, है ना, नहीं नहीं ये आप नहीं कह सकते आत्मा द्रव्य तो धर्म है नहीं, इसलिए बोलते न च द्रव्यतम धर्मानाम आत्मनाम उपबद्धते, है ना, ये जो द्रव्यत्व धर्म आत्मा में यहाँ धर्म धर्म केवल जीव को बोला था धर्माना है ना, धार्य धारणात् धर्म तो यहाँ पे धर्म बोलते हैं, तो क्या होता है कि संसार को धारण करते रहते जीव अपने अज्ञान के कारण, इसलिए इसको धर्म शब्द कहा जाता है। न च द्रव्यत्व धर्मानाम से अर्थ क्या कर दिया आत्मनाम, ठीक है, आत्माओं का बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, उनकी दर्शन के सापेक्ष में बोलना है, आगे बोलेंगे हमारे सिद्धांत के अनुसार जब तक हम अजय एक बोल रहे हैं हमारे सिद्धांत के अनुसार ये भी नहीं बोला जा रहा, वो तो तुम बोलते हो ज ज उसको खंडन करने के लिए हम अजय बोलते हैं, तुम बोलते हो अनेक अनेक तक उसे खंडन करने एक बोलते हैं, हमारे सिद्धांत में ये शब्द प्रयोग भी नहीं होता, बोले परतंत्र अभिनिष्पत्त अजतम करते हैं, तो आपके लिए आपके सिद्धांत को मान्यता देकर हमने ऐसे शब्द को प्रयोग किया। यहाँ पे बोलते हैं अस्तु तरी द्रव्य तेन अन्न तेन चात्मने कार्य कारणत्व न इति आह, न च द्रव्यत्वम धर्मनम आत्मनम उपपद्यते, और अन्नत्व का कुतश्चित किसी से उसको भिन्न भी नहीं किया जा सकता है, इधर आप आत्मा को व्यापक मान रहे हो और इधर बोल रहे हो उससे भिन्न है, ठीक है ना, और आत्ममन संयोग से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। अच्छा आत्मा आपका व्यापक है और मन अपना अनुपरिमाण माना, तो सभी मन के साथ एक आत्मा का रूप में जहाँ कहीं मन रहेगा आत्मा का संबंध हो, तो आप निर्णय कैसे करोगे किसका कर्म कैसा है, तब बोलता है उसकी पूर्व की तो कर्म के अनुसार वहाँ पे जिसका जिसका जैसे जैसे काल और ईश्वर इच्छा काल इसको पर निर्भर कर होगा ये बोलते हैं, अंत हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, आत्मा तो एक ही है, अंतकरण अनेक है, अंतकरण प्रतिफलित होकर के अनेक जैसे प्रतीति होती है, और अंतकरण के धर्म के अनुसार आत्मा में अलग अलग गुण की भी प्रतीति होती है, यह अभिप्राय है। यहाँ पे बोलते हैं कि न ऐसा आप नहीं कह सकते, न चाहे द्रव्यतम धर्मनाम आत्मनुपदन और अन्नतम वित आत्मा किसे, क्योंकि व्यापक माना आपने विभु है वो हो नहीं सकता, ये न अन्न से कारणत्तम कार्यत्तम का प्रतिबद्धता है, जिससे कि एक भिन्न होगा कि किसी के लिए कारण होगा किसी का कार्य बन जाएगा, ऐसा होना संभव ही नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। पाँच नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, अन्न सस्माद भिन्न आत्मा से भिन्न को जिस प्रकार मृतिका से जो घड़ा उत्पन्न घर से मृतिका मूल मृतिका से थोड़ा घड़ा भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है, इस प्रकार आत्मा से कोई वस्तु उत्पन्न होगा आत्मा से भिन्न करके दिखाई देगा कि नहीं, आत्मा से उत्पन्न हो कोई वस्तु आत्मा से भिन्न करके बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसका सत्ता ही सिद्ध नहीं होगा, आत्मा कुछ मनुष्य है, इसीलिए आप बोलते हैं कि न अन्न कारण पाँच नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं सस्माद भिन्न अपने से भिन्न करके कोई वस्तु वहाँ पे है कि सिद्ध ही नहीं होता, उसका अस्तित्व सिद्ध कारणत्म कार्यत्म बना आत्मा में कारणता है न आत्मा में कार्यता है, प्रतिपद्यता आत्मा ही मत आत्मा ऐसा है ऐसा निश्चय नहीं किया जा सकता है, आत्मा न प्रतिपद्य कारणत्म कार्यत्म व अन्न कारणत्म कार्यत्म व आत्मा प्रतिपद्यता आत्मा ऐसा है ऐसा करके शेष मतलब
यहाँ पे जैसे वहाँ पे तत्र शब्द बोल कर कहते हैं ना, इतना जोर करके आत्मा में इस प्रकार समझा नहीं जा सकता। अच्छा फिर आगे टीका था क्या बोलते हैं, न हि तत्र गुणवत्वेन द्रव्यत्वं निर्गुणत्वात् नापि समवायित्वेन तथात्वं अनन्य आश्रयत्व प्रसंगात्। ये क्यों नहीं होता, उतना जितना तत्व का निरूपण किया, ये खंडन खंडन खंड में सारा तपन का जो पदार्थ है उसको खंडन कर दिया। क्योंकि आपने क्या बोला, द्रव्य का परिभाषा दिया गुण क्रिया आश्रयत्वं व द्रव्यत्वं, और गुण की परिभाषा दिया क्या, द्रव्य आश्रयत्वं गुणत्वं। तो यहाँ पे कौन स्वतंत्र रूप से कौन सिद्ध होगा, संसार में कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए वो अनन्य दोष की तरह ग्रसित होने के कारण, मतलब जिस प्रकार बोलते हैं विशेष एक पदार्थ माना, कौन वैशेषिक होने विशेष एक उसका नाम विशेष बनते हैं, तो वो विशेष के आधार पर द्रव्य की भिन्नता को सिद्ध करते हैं। हम उससे पूछते हैं बोलो ये वस्तु इससे भिन्न है, तो भिन्नत्व सिद्ध होगा यदि विशेष है तो, यदि विशेष है तो भिन्नत्व सिद्ध होगा, और यदि भिन्न है तो विशेष सिद्ध होगा। नहीं तो कैसे इसे अनन्य दुष्ट करके हर एक पदार्थ होकर ऐसे ही है, जैसे द्रव्य सिद्ध हो तब गुण के रहित होकर, द्रव्य गुण के बिना तुम द्रव्य को सिद्ध नहीं कर पा किसी भी जगह पे गुण के बिना। और दूसरी बात देखो, कोई भी वस्तु हमारे यहाँ पे क्या है, कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं होता। क्यों, आत्मा के बिना कोई वस्तु सिद्ध ही नहीं। इसीलिए अपन आत्मा किसके अपन किसके सहारे जिएगा, किसके सहारे सिद्ध होगा, स्वमहिमा प्रतिष्ठित था, वो किसी के सहारे नहीं है, कोई आधार नहीं है उसका। इसलिए यदि हम कई बार बोला इस चीज़ को कि आप द्रव्य है, फूल है, फल है, मठ है, घट है, हिमालय है, नदी है, परंतु ध्यान रखना है ये सब कुछ मिला क्या करते हम बोलते हैं, परंतु है के साथ इस नाम रूप का कोई संबंध नहीं है, एक स्वतंत्र शब्द। इसलिए पहले आप उस द्रव्य के माध्यम से है क्या वस्तु एक अस्तित्व, अब चाहे द्रव्य को छोड़कर अस्तित्व क्या है, तो ये हमको समझ में आ जाए तो स्वरूप संबंध है। ये विचार यहाँ पे न ही तत्र गुणवत्तेन द्रव्यत्वं, क्योंकि क्या गुण क्रिया आश्रयत्वं द्रव्यत्वं उसका परिभाषा है, तो आत्मा में गुण है इसीलिए द्रव्य होगा, ये आप नहीं कह सकते। क्यों, निर्गुणत्वात्, क्योंकि यह वहाँ पर ठीक है, न ही तत्र तत्र आत्मनि अथवा आत्मतत्व गुणवत्तेन द्रव्य, वहाँ पे गुण वाला होने के कारण गुणवत्त और गुणवत्व गुण वाला होने के कारण द्रव्यत्वम आत्मा द्रव्यत्व धर्म आएगा ऐसे नहीं कहा जा सकता। क्यों, निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने के कारण, ना कि समवायित्वेन, और वो जो है समवाय संबंध में द्रव्य समवेगा तथा मतलब द्रव्यत्वम, समवाय कारण द्रव्य बनता है, द्रव्य द्रव्य के समवाय का मतलब होता है तथात्म, ना भी समवायित्वेन तथात्म मतलब द्रव्यत्वम। इसलिए अनन्य आश्रयत्व प्रसंगात यदि ऐसा मानोगे तो क्या हो जाएगा, अनन्य आश्रय दोष, मतलब एक स्वतंत्र रूप से कोई सिद्ध होता है, ये सिद्ध हो ए सिद्ध होगा तो बी सिद्ध होगा, बी सिद्ध हो तो ए सिद्ध होता है, इसलिए एक दूसरे का आश्रित होने के कारण उसको स्वतंत्र सिद्ध नहीं है। देखो 12 नंबर टिप्पणी में इसको समझा रहे हैं, क्या बोलते हैं, अनन्य आश्रयत्व प्रसंग तब हो जाएगा एक दूसरे अनन्य आश्रय मतलब एक दूसरे के आश्रय में होकर सिद्ध होगा। इति द्रव्यत्वम एव हि समवाय कारणत्वम न अद्रव्यम, क्या हो जाएगा, द्रव्य ही समवाय कारण बनता है, अद्रव्य समवाय कारण नहीं बन सकता है। द्रव्यम एव हि समवाय कारणम न अद्रव्यम इति तार्किक निर्णय, ये न्याय सिद्धांत की न्याय का सिद्धांत है तार्किक निर्णय। तथा च द्रव्यत्व निश्चित समवायित्वम, देखो आप यदि द्रव्यत्व निश्चय करोगे, आपने क्या बोला द्रव्य समवाय कारण होता है, तो आप एक एक समवाय कारण भी जो है हमारे कोई कहीं की प्रसिद्धि नहीं है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनका, और समवाय को एक संबंध माना, द्रव्यत्व बोलते तथा च द्रव्यत्व निश्चित सति, द्रव्यत्व निश्चय हो जाए तब वहाँ पे समवायित्व धर्म रह सकता है, और समवायित्व के आधार पर आप द्रव्यत्व को निश्चय कर रहे हो, जो समवाय कारण होगा वो द्रव्य होगा। तो आप कौन पहले है, कौन पहले है, इसलिए बोलते हैं द्रव्यत्व निश्चित समवायित्व तस्मिन, मतलब समवायित्व सति तस्मिन मतलब तस्मिन समवायित्व सति द्रव्यत्वम पार्यम निर्णयत्वम, तब तुम द्रव्यत्व को निर्णय करने में समर्थ हो गए। इति अनन्याश्रय, ठीक दोबारा देखिए इसको, द्रव्यम एव हि समवाय कारणम न अद्रव्य, ये तुम्हारी मान्यता है क्या, द्रव्य ही समवाय कारण होगा, ठीक है। अब जो कि हमें क्या बोलता है, तथा च द्रव्यत्व निश्चित, पहले द्रव्यत्व निश्चय हो जाए तब वो कह सकते हो कि इसमें समवाय कारण होगा,
द्रव्य निश्चय का होगा, यदि समवायिक कारण बन करके मतलब जब उसको द्रव्य को बनाता था वो उसमें द्रव्य तो धर्म है, इसलिए तस्मिन वहाँ पे कोमा कर देना, तथा च द्रव्यत्व निश्चित समवायित्व, ये एक पार्ट है ना, द्रव्यत्व का निश्चय होने पर तब वहाँ पे समवायित्व धर्म रहेगा, तस्मिन मतलब समवायित्व सती द्रव्यत्म पर दसवें मतलब समवायित्व सत्य, यदि उसमें समवायित्व धर्म है तब तो द्रव्य रूप में तुम निर्णय कर सकते हो, इति अनन्याश्रित प्रकार से अनन्याश्रित दोष के द्वारा ग्रसित है, स्वतंत्र आप निर्णय नहीं कर सकते, ठीक है। इसी प्रकार द्रव्य के समवायित्व समवायित्व से उसने एक धर्म माना मतलब एक संबंध माना हो, संबंध के गुण माना हो, है ना, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं द्रव्य इसी के द्वारा द्रव्य सिद्ध हो तब उसके आसना में गुण रहता है, गुण सिद्ध हो तब द्रव्य का आसन, गुण को स्वतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए कोई वस्तु संसार में पारमार्थिक सिद्ध नहीं। अब जो है आगे और बोलते हैं, न च तत्र उतश्चित अन्नतम सर्वस्व सन्मात्र तेना एक रूपत्म प्रतिमान, और भी क्या है, न च एक और कारण है, तत्र अतत्र मतलब तत्र आत्मनि अथवा तस्मिन् आत्मनि सति कुतश्चित् अन्नत्वम्, वो आत्मा किसी से भिन्न नहीं होता है ना, उस आत्मा में किसी से भिन्नत्व धर्म भी नहीं बैठा, क्यों, सर्वस्व सन्मात्र एक रूप, सारा संसार में वस्तु है रूप में प्रतीत होता है, समझ है, एक रूप कहीं नहीं है करके प्रतीत नहीं होता, प्रतिमान कोई तो आत्मा का रूप है ना, न च तत्र कुतश्चित् अन्नत्वम् सर्वस्व सन मात्र तेना एक रूपत्म प्रतिभा, वो एक रूपों के प्रतीति होता है, इस कारण से प्रतिमाना सभी आत्मा में एक रूप में, इसीलिए आत्मा भी एक है, ये भी हम समझ सकते हैं आराम से, जिस समय हमारे उपाधि के साथ संबंध छूटता है उस समय हम अपने को क्या अनुभव करते हैं, चाहे मैं करूँ चाहे आप करें चाहे कोई पशु पक्षी करें, सबका एक ही अनुभव होता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, बस अपना अस्तित्व को समझ, और उसमें की चुजुक चुजुक थी उसके शरीर, सबका राजा हो फकीर हो रख हो भिखारी हो कुछ भी हो सबका एक ही अनुभव है, क्यों, उस समय उपाधि के साथ तादात्म्य छूट जाता है, परंतु वो एक होने पर भी अज्ञान नाश होने के कारण नहीं होने के कारण क्या होता है, फिर तादात्म्य कर देते हैं, यदि जागृत में बैठ कर के ऐसा सुषुप्ति में जाने का अभ्यास करेंगे वो जरूर एक दिन मैं समझ मान लगा कि मैं इससे भिन्न हूँ, तब क्या होता है एक ही रूप अनुभव, एक ही रूप मतलब मैं रक्षण द्वारा कभी अनुभव आ जाए, सब कैसे आत्मा एक ही है, अलग तो होता है वो उपाधि के कारण अलग की प्रतीति होती है, न च तत्र कुतश्चित् अन्नत्वम् सर्वस्व सन्, किसी से वो भिन्न नहीं है, क्यों, सर्वस्व सन्मात्र सभी के साथ सत रूप में एक रूपत्म, सभी के साथ एक होकर एक ही रूप में क्या है, 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 है के रूप में इसकी प्रतीति होती है, इस कारण से न तत्र कारणत्वम् कार्यत्वम् वा प्रतिपत्तुम् शक्यम्, इसलिए तुम वहाँ पे कार्यत्व अथवा कारणत्व धर्म तुम नहीं देख सकते, अतः न तत्र तत्र शब्द जो पहले बोल करके आया ना वार बार हुई, मतलब उस आत्मतत्व में है ना कारणत्वम् कार्यत्वम् वा प्रतिपत्तुम्, समझना जो संभव युक्ति संगत नहीं है, शक्यम् प्रतिपत्तुम् शक्यम् वो बोधना संभव नहीं है, इति फलितम् आवश्यक मन में रखते होते, अतः अद्रव्यत्वात् इसलिए बोलते हैं अद्रव्यत्वात् अनन्यत्वात् च न कस्यचित् कार्यकारणम्, इसलिए बोलते हैं अत, इसलिए इसलिए किसलिए, क्योंकि ये अपने आप बोले अत का ही अर्थ लिख रहे हैं, अद्रव्यत्वात् अनन्यत्वात् च, यह तो अर्थ है क्योंकि वो द्रव्य भी नहीं है किसी से भिन्न भी नहीं है, न कस्य चित् इसीलिए किसी के लिए वो ना कार्य बन सकता है न कारण बन सकता है, वह आत्मा इति अर्थ, यहाँ पर आकर के आत्मा शब्द प्रयोग करके भगवान का जब एक बार वेदांत की एक ही बात कहे असंगो ही अयम पुरुष, इसमें कोई कार्यता कर्मता नहीं हो सकता, कई बार आया ज्योतिर्ब्रह्म इस शब्द को, जब ये हो गया पर तो ये जो कार्यकरण भाव को तुम नहीं मान रहे हो परंतु ये तो सही नहीं है, हमें क्या दिखाई पड़ता है इसको स्पष्ट करिए, हम कार्य कर हमारी कोई बाहर में कोई घरा को हम देखते हैं, मन क्या हुआ, मन में कोई घरा नामक वस्तु बैठा हुआ है, तो अब उस घरा को कुमार उत्पन्न करते हैं, फिर उसको देख करके आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं उस घरा का, फिर संस्कार करते हैं, फिर उस प्रकार के घरा को बना करके फिर आप उस घरा से फिर एक नया चीज बना कर फिर एक मॉडिफाई करते हैं, पूरा क्रिएशन में ऐसा ही हो रहा है, देखिए मान लीजिए जिस समय पहले मोबाइल आया था उसके विचार कर फाइल मोबाइल का थॉट माइंड में आया, ट्रांसमिशन ऐसा हो सकता है, उससे एक द्रव्य को बनाया, फिर उसको और थोड़ा विचार करके फिर एक द्रव्य को बनाया, इसलिए इन दोनों का भिन्न कार्य करने में कैसे भिन्न बोल रहे,
ये तो व्यवहार में दिखाई पड़ता है, इससे मानते हैं इससे मानते हैं, और इसलिए आगे उसको बोलेंगे ये तुम्हारी मतलब एक माइंड मेंटल फंक्शन है, ये आत्मा में नहीं है, ये आत्मा में नहीं है, द्रव्य में नहीं है, आत्मा में नहीं है। उसको समझाने के लिए देखिए बोल रहे थे क्या था, चिकित्सित कुंभ संवेदन समानांतर कुंभ संभवती, ठीक है। चिकित्सा मतलब करने की चकर्तमेच्छा चिकित्सा, तो चिकित्सित कुंभ मतलब कुहा घड़ा को बनाने की इच्छा, इच्छा से संवेदन मतलब उसके ज्ञान के बाद, तो मैं कैसे बनूंगा जन्मांतर के संस्कार से, मतलब आपके सामने घड़ा इस समय नहीं है, जन्मांतर के संस्कार से संवेदन समानांतर उसको जानने के बाद आप क्या करते हैं कुंभ संभवती घड़ा को बनाते हैं। केवल एक घड़ा तो उस समय के लिए, आजकल कोई भी वस्तु को तो किसी प्रकार से इन्वेंशन भी ऐसे हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं चिकित्सित कुंभ संवेदन समानांतर कुंभ संभव। फिर संभूतश्च असौ, अब जब एक बार बन गया, बन करके कर्मतया वो विषय बन जाता है, जो वस्तु आपके सामने बन गया घड़ा सामने दिखाई दे रहा है विषय बन गया, अरे इसमें ऐसा बना था तो ऐसा होता है। मकान बनाने के बाद पहले आपने प्लानिंग किया, मन में रखा, आपने बोला इसने प्लानिंग बनाया, फिर प्लानिंग का तो जब उपयोग करने जा रहा था हम सोचते क्या इससे ये होता तो अच्छा होता है, इससे होता तो अच्छा, कुछ कार्यक्रम दिखाई पड़ते हैं आपको, नाम कैसे कर लो निश्चित कैसे कर लो। तो यह भी बोलते हैं संभूतश्च असौ, उत्पन्न होने के बाद ये कर्मतया मतलब विषय के रूप में स्व संविदम जनयति, अपने अंदर एक नया संस्कार उत्पन्न करता है, अगला बार जब बनाऊंगा ना मकान में किसको तब उसका ऐसा संक्रमण कर दूंगा, संवेदन जनते आपके अंदर एक बोल उत्पन्न करते थी। व्यवहार अपनी न उपबद्धते कश्य चीज अपनी, इस प्रकार की व्यवहार में युक्ति संगत नहीं होगा, यदि तुम कार्यकरण भाव को नहीं मानोगे तो, कार्यकरण भाव को नहीं मानोगे तो व्यवहार भी संभव नहीं होगा। हमने कब बोला कि व्यवहार में कार्यकरण भाव नहीं है, पारमार्थिक कार्यकरण भाव नहीं है, हमेशा ध्यान रखना हम जगत को मिथ्या बोलते हैं, किसके सापेक्ष में, आत्मा के सापेक्ष में, ब्रह्म के सापेक्ष में जगत मिथ्या है। स्वप्न प्रतिभाषी है क्यों बोलते हैं, व्यवहार की सापेक्ष स्वप्न प्रतिभाषी है, यानी सापेक्षिक शब्द है। इसलिए चिकित्सित कुंभ संवेदन समानांतरम कुंभ संभवती, मतलब जिस वस्तु को मैं बनाना चाहता हूँ अपने मन ही मन उसको विचार करके, जन्मांतर संस्कार से उसको विचार करके क्या करते हैं, उसके बाद एक घर को बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घर में कोई वस्तु को बनाते हैं। अब जब संभूत वस्तु बन जाने के बाद कर्म होता है वो अपने सामने विषय बन जाता है, विषय बन करके स्वसंविदम अपने ही ज्ञान का विषय बन जाता है, ज्ञान उत्पन्न करता है अपने एक नया ज्ञान उत्पन्न करता है। इति व्यवहार भी, इस प्रकार का व्यवहार भी नवबद्धते कश्य चीज, समस्त व्यक्ति में जिस प्रकार व्यवहार होता है वो युक्ति संगत नहीं होगा, कश्य तब तो बोलते हैं विद्य दृष्टि अनुरोधे न अनन्यत्वाद इति आह, है ना। देखो भाई अज्ञानी के दृष्टि से तो इस प्रकार हम बात हैं, ज्ञानी के दृष्टि से तो ये होना संभव ही नहीं। इसलिए बोलते हैं विद्वत दृष्टि अनुरोधे न अनन्यत्वाद अनन्यत्वाद इति आह, ये जो आपको अनन्य दिखाई पड़ रहा है मतलब मन से भी बना पूछा बाहर कोई वस्तु दिखाई दे रहा है ये विद्वत दृष्टि में नहीं है, विद्वत दृष्टि में नहीं है, विद्वत दृष्टि अनुरोध है ना अनन्यत्वाद इति आह। आप जाकर के श्लोक में आइए, एवं न चित्त जा धर्मा, एवं न चित्त जा धर्मा, चित्तं वापि न धर्मजं, चित्तं वापि न धर्मजं, एवं हेतु फला जातिं, एवं हेतु फला जातिं, प्रविशन्ति मनीषिणः, प्रविशन्ति मनीषिणः, एवं न चित्त जा धर्मा, चित्तं वापि न धर्मजं, एवं हेतु फला जाति प्रविशन्ति मनीषिणः। इस प्रकार से न चित्त जा धर्म, चित्त चेतन को ही बोल रहे हैं, चेतन से जीव नामक कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होता, जीव और मतलब चेतन परम भिन्न तो नहीं है, किसी दो अलग शब्द प्रयोग है। चित्त जा, चित्त मतलब ये जो चित्त चेतन तत्व है वो चेतन तत्व ही हमको चित्त बोलते हैं, तकार विषय के साथ मिल करके बोलते हैं, अब वो चित्त ही चेतन हो जाए, चित्त मतलब चित्त ही चित्त है, चित्त ही चित्त है, क्यों चित्त के ऊपर ही वो चित्त की प्रति, चित्त की प्रतीति होता है, कैसे प्रतीति होते हैं विषय बोलते हैं, चित्त आप देख सकते हैं वो चित्त, इस प्रकार रज्जु ही सर्वरूप में प्रतीति होती है, रज्जु सभी प्रकार जो है चित्त ही चित्त रूप में प्रतीति होती है, जहाँ हम संस्कार को देखते हैं। यदि हम उसको धीरे धीरे जिस प्रकार जो वस्तु की प्रतीति हो रहे हैं ऊपर, उसमें से यदि हम अधिक ऊपरी भाग को हटा सकते हैं, पहले भी एक दिन बताया था कि अधिक मतलब भ्रांति के दो विभाजन करते हैं, एक आधार एक अधिष्ठान। सामान्य आधार का ज्ञान है
अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है। समझ बिंदु तो समझ में आता है, सामान्य ज्ञान है रज्जु का, मतलब विशेष ज्ञान नहीं है जिसको हम सत्वरूप में समझ रहे हैं, जो हम उतना भाव के निषेध करते सामान्य ज्ञान का ही। इस प्रकार से हमें क्या होता है कि ये चित्त का सामान्य ज्ञान है, चित्त का सामान्य ज्ञान है, मैं चेतन हूँ, चित्त का सामान्य ज्ञान है, और संस्कार के साथ अपने जन्मांतरी संस्कार से मैं मनुष्य होकर के दिखाई देता है। एवं ना चित्त क्या होता है, चित्त से धर्म जीव, एवं ना चित्त का धर्म चित्त बिना धर्म जम, अथवा जीव से चित्त के चेतन को उत्पन्न हुआ चेतन नमक वस्तु आई, ये भी हम नहीं बोल सकते, मतलब आपस में कार्य कारण भाव नहीं है। एवं हेतु फला जाति, यहाँ पे तो हेतु और फल दोनों की अजाति, हेतुश्च फलश्च हेतु फले और तयोर अजाति, हेतु फला जाति, मतलब हेतु भी अजाति है फल भी अजाति है। हेतु से फल, फल मतलब जैसे मैं पूर्व विवक्त दर्शन क्या बोलते हैं कि धर्म धर्म से शरीर और शरीर से धर्म धर्म, ये दोनों ही होना संभव है, इतना ही सब ठीक बोलता है। कितना से ठीक बोलता है कि कर्म फल दिए बिना जाएगा, इतना ही सब तो कोई संदेह नहीं है। विभाग अपना बोलेगा, जब तक हमारे दुराग्रह है क्या कि मैं जो है अग्निहोत्रादि कर्म करके साधर्माचरण करके सुख प्राप्त होकर धर्माचरण करूँ, तब तक आत्मा क्या नहीं हो सकता। जब तक मन में बैठा हुआ है कि गंगा स्नान करने से पूर्ण होता है, तब तक आत्मा क्या नहीं हो सकता। फिर अथवा जब ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ तीर्थ दर्शन करो, बद्रीनाथ देव दर्शन करें, अलग अलग जगह का अलग अलग मन होता है। तो इस प्रकार की जो भावना है, जब तक ये दुराग्रह मन में बैठा हुआ है, तब तक आप हेतु फल हेतु और फल से बाहर नहीं आ सकता, क्यों मन में बैठा हुआ है। पूर्ण करो तब ये शुभ, ये शास्त्रीय कर्म करो तब, ये यहाँ पर परेशानी होता है। अशास्त्रीय कर्म छोड़ना आसान पड़ता है, शास्त्रीय कर्म को मन से बिल्कुल छोड़ना मुश्किल होता है। तो इसी को जो जोर देने के लिए हेतु फल अजाति, मतलब कहेंगे हेतुश्च फलश्च हेतु फले और तयोर अजाति, है ना। तो इसको कहते हैं हेतु फल अजाति, हेतु भी अजाति है फल भी अजाति है। उन्होंने मंत्र दर्शन हमारे लिए इतना कठिन कठिन सही किया कि कर्म अपने फल दिए बिना नाश नहीं होगा, परंतु गड़बड़ क्या करते हैं, कर्म फल की भोक्ता कौन है, आत्मा को मान लिया। यदि भोक्ता जो है कल्पित जीव है, इतना मान तो उपाधि में भोग है, मन बुद्धि में भोग है, आत्मा में भोग नहीं है, इतना समझ नहीं। परंतु एक काम फल क्या कर दिया, स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है, इतना तो निश्चय कर दिया। सभी बातें ही हम लोगों को कुछ ना कुछ मदद की, वो स्थूल शरीर से आत्मा भिन्न है, इतना तो निश्चय कर दिया। मैं जा करके इस शरीर छोड़ करके स्वर्गलोक में वही मैं रहूँगा, इतना तो उसने मदद कर दी। वो जो मैं क्या है, भोग कहाँ पर बैठा है, मन बुद्धि में बैठा हुआ है। तो आप वेदांत आकर बोलते उसको निश्चित कर देते हैं। एवं हेतु फला जाति, इस प्रकार विचार करने के फलस्वरूप, बार बार विचार करने के फलस्वरूप क्या देगा, मनीष न विवेकी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति मनीष कहते हैं। फिर हेतु फला जाति प्रविशंति, अभी तब क्या होगा, यहाँ पे हेतुश्च फलश्च हेतु फले तयोर अजाति हेतु फला जाति और उसमें तम द्वितीय द्वितीय एक बन है तम, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। मनीष न हेतु फला जाति प्रविशंति, बुद्धिमान व्यक्ति विवेकी व्यक्ति इस प्रकार से जो धर्माधर्म और शरीर धर्माधर्म से भी दोनों ही होना संभव नहीं है, इस जगह पे प्रवेश कर जाते हैं, मतलब इस सिद्धांत को पक्का कर लेते हैं। एवं इस प्रकार से एक नंबर टिप्पणी में देखिए, एक नंबर एक एवं यथा भेद अभावेन चित्त धर्मयोर न परस्पर जन्य जनक भाव तथा इति अर्थ। एवं इस प्रकार से मैंने क्या हो गया, भेद नहीं है किसके अंदर, देखिए सूत्र टिप्पणी का कितना सुंदर अच्छा कर दिया, एक हो गया चित्त एक हो गया धर्म, है ना। चित्त मतलब क्या, चेतन आपका विषय के साथ संस्कार के साथ जब चेतन दिखाई पड़े उसको चित्त बोलते हैं, और चित्त से कहते हैं जीव प्रतीत होता है। जैसे ही हमने अपने संस्कार के साथ अपने को देखने लगा था क्या हो गया, मैं परिच्छिन्न वस्तु बन गया, जैसे मैं अपने मेरा संस्कार मैं मनुष्य हूँ, जैसे इस संस्कार के साथ मैं अपने को देखने लग गया फिर मैं पुरुष हूँ मैं संध्य ये सब, तब मैं क्या हो गया एक चित्त जहाँ मतलब तब कर धर्म बन गया, मैं जीव बन गया। परंतु इन दोनों में आपस में कार्यकरण भाव नहीं है, इसलिए बताया यथा भेद अभाव है ना, क्योंकि दो भिन्न वस्तु नहीं है। चित्त धर्मयोर, चित्त और धर्म इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है न पर, इसीलिए यहाँ पे परस्पर जन्य जनकत्व भाव, यहाँ पे जन्य जनकत्व भाव भी होना संभव नहीं है। जन्म मतलब पैदा होने योग्य, जनक मतलब पैदा करने वाला, ये यहाँ पे होना संभव नहीं है आपस में तथा इति अर्थ है। समझ में आ रहे हैं, जीव कहाँ से आया, जीवत्व कहाँ से आया, जैसे ही मैं अपने संस्कार के साथ आध्यात्म किया हमारा अंदर जीवत्व है कि नहीं है, तो शुद्ध चेतन हुआ।
शुद्ध चेतन चित्त भूमि के संस्कार के साथ जैसी अपना उसके साथ आत्म करता है तब जीव दिखाई पड़ता है। इसलिए बोलते हैं चित्त से जीव की उत्पत्ति होना संभव नहीं, केवल एक प्रगति मात्र है। अब वही कहते हैं कि जैसे जीव मतलब कि कहाँ से जीव कहाँ से आया, मतलब चित्त कहाँ से है, मतलब जीव अपने चित्त को लेकर के जाते हैं और नया संस्कार एक नया शरीर में जब जाते हैं मतली गर्भ मिशन जन्म, तब उसका सबसे पहले शरीर में प्राण आता है सूक्ष्म शरीर में। प्राण आने के बाद फिर जो है मन इंद्रिय तक गोलक नहीं आया तब तब उनके अंदर वो मन काम करना शुरू करते हैं। बस यही शरीर है मनोसंकल्प ने प्राण क्यों आता है, मनोसंकल्प न आया तो सूक्ष्म शरीर है ना। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के साथ अनिर्भरित होकर इसलिए पारमार्थिक यहाँ पे कार्य कारण का जन्म जन्म आया ही नहीं, मतलब पूर्व जन्म के संकल्प से शरीर और फिर इस शरीर के संकल्प के साथ अलग जन्म। इस प्रकार से जो है ये जन्म जन्म भाव है चित्त धर्म और न परस्पर, चित्त हो गया चेतन अथवा चित्त और धर्म मतलब जीव, इन दोनों में परस्पर जन्म जन्म भाव नहीं है। इसका भी प्रविशंति, प्रविशंति शब्द का अर्थ कर दिया निश्चयनुवंति, तो ये लोग निश्चय कर लेते हैं और मनुष्य लोग इसका निश्चय करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकारण भाव होना संभव ही नहीं। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं छह नंबर पहले चिकित्सित कुंभ संवेदन समानांतर कुंभ संभवती, ठीक है ना, इसको छह नंबर टीका ठीक है ननु संवेदन रूपस्य आत्मनः कार्यकरण भाव अनंगीकारे तस्य अनुभूयमान घटादि कारणत्वं घटादि कार्यत्वं च न उपपद्यते, ठीक है ना। मैं उस घट को जानता हूँ, पहले मेरे अंदर संस्कार और उस संस्कार से मैंने बनाया फिर मैंने घट को जाना, ये सब जो है मैं के ऊपर आरोप होता है। इसलिए आप बोलते हैं शंकर का ननु संवेदन रूपस्य आत्मनः, आत्मा क्या है ज्ञान का अधिकरण माना, तो ज्ञान तो अपना में होते हैं इसलिए होता है वो ज्ञान स्वरूप नहीं मानते ज्ञान का अधिकरण मानते हैं पूर्ववादी, मतलब आत्मन के संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है। संवेदन रूप से आत्मन आत्मन आत्मा का कार्यकरण भाव अनंगीकार, आत्मा में विद्युत कार्यकरण भाव नहीं माना क्यों, मेरा पूर्व ज्ञान से नया वस्तु उत्पन्न हो रहा है और नया वस्तु के ज्ञान से फिर एक नया वस्तु उत्पन्न हो रहा है, पूर्व संस्कार आ रहा है, पूर्व संस्कार से नया वस्तु से पूर्व संस्कार परिवर्तन, इस प्रकार से तो कार्यकर्म कहाँ पर हो रहा है आत्मा में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है किसी आप कैसे बोल सकते नहीं हो सकते किनको तो आत्मा का अधिकरण में ज्ञान अधिकरण। संवेदन रूपस्य आत्मन कार्यकरण भाव अनंगीकारे तस्य अनुभूयमान घटादि कारण तमस, आत्मा में अनुभव हो रहा है जो घटादि का कारण था क्यों, और पूर्व जन्म में जो संस्कार से घट देखा था वो अनुभूयमान उसका अनुभव हो रहा है क्या। मैंने जो चिकित्सक शब्द किए ना चिकित्सक पूर्व, मैं तो घड़ा की बनाने की इच्छा, तो घड़ा कैसा होगा उस प्रकार की कल्पना करते इसलिए होता है अनुभूयमान, पहले अनुभव हो रहा है जिसका उसको अभी सामने आ रहा है घटादि कारण, तो आगे जो घट बनने जा रहा है उसके लिए कारण बनेगा, उसके लिए कारण बनेगा क्या, जन्मांतरीय संस्कार से जो घट की संस्कार हमारे अंदर बैठा हुआ है उसको अनुभव करते हुए मैं एक नया घड़ा बनाऊंगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अनुभूयमान घटादि कारण कारणत्म, फिर घटादि कार्यत्म च नकबद्धता, फिर घट कार्य होकर के फिर उसका संस्कार आएगा, ये कार्य करना युक्ति संगति नहीं होगा, नहीं कर पाओगे आप यदि आत्मा में इस प्रकार जो है उत कार्यकरण भाव होना संभव नहीं है, ऐसा आप कहोगे तो इसका भी कोई वस्तु उत्पन्न भी नहीं होगा, क्योंकि कोई वस्तु से संस्कार आता है फिर उसका मॉडिफाई करके हम नए आते हैं। इतना वैज्ञानिक इन्वेंशन क्योंकि मैं पहले बोला वो दर्शन नए बोल दर्शन क्या होता है मैटर को लेकर के विचार करते हैं, नए नहीं क्योंकि परमाणुवाद भी बोलते परमाणु को मानते हैं विज्ञान भित्तिक है वो, परंतु बाहरी जगत को लेकर के विचार करता आत्मा वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आगे बोलते हैं अनुभूयमान घटादि कारणत्व घटादि कार्यत्व च नपद्यते, वो होना संभव ही नहीं है। ये इति आशंकाया, इस प्रकार आशंका का इष्टापत्या परिहार परतया एवं इत्यादि पद्यम अवतारयति, ये हमारी अभिष्ट नहीं है तुम बाहरी जगत को लेकर, एक वेदांत एक मतलब पूरा ब्रह्मसूत्र देखो सारा ब्रह्म को लेकर के विचार करते हैं, प्रथम अध्याय पूरा जहाँ कहीं भी श्रुति बात को मिला केवल ब्रह्म के ऊपर विचार करते हैं, ब्रह्म ये ईश्वर होता है। इस प्रकार से यह बोलते हैं बोलोगे कि इस प्रकार की आशंका का इष्टापत्या, ये हमारी अभिष्ट है ना, इष्टापत्या अपरिहार परता, ये हमारे मतलब ये परिहार करने जो कोई नहीं है, इस प्रकार यदि कोई कहता है एवं इत्यादि पद्यम अवतरण, वहाँ पे अब एवं पद्यम मतलब इस प्रकार श्लोक को अवतरण करता है, ठीक है।
ननु संवेदन रूपस्य आत्मन कार्य कर्म भाव अनंगीकारे, मतलब ज्ञान अधिकरण आत्मा उसमें यदि कार्य कर्म भाव को मान नहीं मानोगे तब क्या जाएगा, तस्य अनुभवमान घटाधिकरण तम, वो जो मतलब आगे आगे खरा उत्पन्न उसको जो हमारे अंदर अनुभव रूप में बैठा हुआ है वो उस घटा के मारण बारण मनाने के पीछे कारणत्म, और दूसरी बात क्या जाएगा जो खरा उत्पन्न हो जाएगा वो हमारे नया संस्कार उत्पन्न करने के लिए कारण, वो कार्य बनेगा, कार्य बनेगा फिर वो कारण बन जाएगा हमारे नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। इसलिए बोलते हैं ये दोनों ही होना संभव, घटाधि कार्य तम नुपद्यते इति आशंकाया इष्ट्यापत्या परिहार परतया, मतलब ये दोनों प्रकार से इस इष्टापत्ति अपरिहार पर, मतलब यह हमारा अभिष्ट है इसको परिहार करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, मतलब इष्टापत्या परिहार परतया जो हमारी इष्टापत्ति नहीं है तो उसको दिखाने के लिए एवं इत्यादि पद मत एवं पद एवं न चित्त या धर्म चित्तम वापि न धर्मजम, इसमें एवं यथक्त हेतु यथक्त्य हेतु आत्मविज्ञान स्वरूप में चित्तम, चित्त क्या है भाष्य का क्या बोल रहे हैं कि चित्त है आत्मविज्ञान, आत्मा का जो विशेष क्या है उसको मिला करके शुद्ध आत्मा ने विषय आत्मविज्ञान स्वरूप में व चित्तम इति न चित्तया बाह्य धर्मा ना भी बाह्य धर्म जम चित्तम, चित्त से कोई बाह्य धर्म उत्पन्न नहीं था ना बाह्य धर्म से चित्त उत्पन्न होता है। छः नंबर टिप्पणी में कुछ नहीं था चिकित्सित इतने ही, इसीलिए हमें बोला चिकित्सित मतलब क्या हुआ कि तुम बोलोगे ये हमारी अभिष्ट है, हम बोलेंगे ठीक है व्यवहारिक जगत के लिए अभिष्ट है किंतु पारमार्थिक दृष्टि से नहीं, ठीक है ना, इष्टापत्ति दोनों प्रकार से मतलब इष्टापत्ति मतलब ये हमारी अभिष्ट है तो इसको हम परिहार नहीं करते हैं, व्यवहारिक जगत को लेकर के बोलते हैं इसको बोलने की, अगर ये हमारी अभिष्ट नहीं है पारमार्थिक दृष्टि में तब कभी ये नहीं दिखेगा। तुमने आत्मा का ज्ञान का अधिकरण माना मतलब ज्ञान क्रिया का आश्रय माना तुमने, हम ज्ञान क्रिया का आश्रय नहीं मानते हैं हम ज्ञान स्वरूप मानते हैं, ये अभिप्राय से भिन्न टीका में आ जाएगी जस्य धर्मादि शरीरादिश्य कार्य, आनंद गिरी बिल्कुल सही जगह पे लाया है ना कि धर्मादि और शरीरादि जस्य धर्म समय ठीक है नहीं रखेंगे जो स्वामी जी को देख कर स्वामी जी कैसे अजम प्राप्य दैश्वर्योगति जगति मताेक विविध विषय धर्म ग्राही प्रणत पयिहंत्रिमयतमस्मद पूर्णमिद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा।